आज के एजुफा 500 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में आंकी प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 13 में ये कुछ आंकी प्रश्न है, हम इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम के लिए हमें कार्यक्रम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। हमें प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है जो सोडियम से प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकती है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ दिया है, हमें यहाँ दिया है क्या दिया है भाई, हमें यहाँ दिया है कार्यक्षम, तो हमें दिया है कार्यफलन। हाई नोड बराबर हमें दिया है भाई 2.3 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, इसका मान अपन चाहे तो इसको जूल में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको जूल में चेंज करना चाहिए तो ये आ सकता है इधर 2.3 गुणा 10 की 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है तरंग दैर्ध्य, तो अपन जानते हैं कि जो कार्य फलन जो होता है ओमेगा नॉट बराबर होता है या हाई नॉट बराबर होता है एच इंटू न्यू नॉट। तो हाई नॉट बराबर एच, अब चूंकि अपन जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्ब्डा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे न्यू नोट है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई नोट बराबर एच सी अपॉन लैम्ब्डा नोट हो जाएगा। अब फाई नोट को हमें दे रखा है यहाँ पे, यहां से अगर हम लैम्ब्डा नोट का मान निकालना चाहिए तो लैम्ब्डा नोट बराबर क्या जाएगा भाई, इधर देखो एच सी अपॉन फाई नोट, एच सी अपॉन ये आ जाएगा फाई नोट। तो यहां से हमने इसका मान निकाले कि यहां पे आ जाएगा इस बटे में। अब एच जो कि एच ग्राम निकाल के इसका मान फिक्स होता ही है, तो ये सब के मान रख दो भाई। एच का मान है 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34, प्रकाश का वेग सी का मान रख दो 3 गुणा 10 की पावर 8, और ये जो कार्य इसका मान दे रखा हमें 2.3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, यहां तक आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो मान है वो सोल्व करने पर 540 nm नैनोमीटर के समथिंग प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, आप समझ गए। आपको इसका मान आपको दे रखा था फाई नोट का, ये मान रख के यहां से लैम्ब्डा नोट का मान ज्ञात कर लिया, एच और सी प्रकाश का वेग है, और आपने यहां सोल्व करने पर आपको ये आंसर इसके प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसमें क्या देखा है, दूसरे क्वेश्चन में देखा है कोई धातु पृष्ठ है वहां से हमने को आवर्ती का मान दिया है, यानी जो दूसरा क्वेश्चन में हमें इसमें आवर्ती का मान दिया है आवर्ती का मान, आवर्ती न्यू बराबर हमें यहां दे रखा है यहां पे 8.5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हमने आवर्ती मान दे रखा है। फिर हमें दो कंडीशन में हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान दे रखे हैं। ठीक है, देखो इसके लिए तो जो ऊर्जा है इस आवर्ती के लिए जो ऊर्जा है अधिकतम के मैक्स, इसको हम के मैक्स वन मान लें, तो इसके लिए के मैक्स वन हमें दे रखा है वो है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको चाहे तो जूल में चेंज कर सकते हैं, ये आ जाएगा बराबर में 0.52 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ऊर्जा का जो मान है ये के मैक्स का मान। इसी प्रकार से आगे जो आवर्ती है तो उसी प्रकार से नेक्स्ट जो आवर्ती है हमें उसके लिए वहां पे हमें यानी हमें न्यू नोड का जो मान यहाँ पे दे रखा है
या मैक्स को आवर्ती का मान भी दे रखा है, यह भी दिया हुआ यहाँ पे न्यू बराबर 12 गुना 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 हर्ट्ज का मान भी दे रखा है। ठीक है भाई, ये हमें मान दिया है। और इस आवर्ती के लिए जो अधिकतम जो ऊर्जा है, इसके लिए मैक्सिमम ऊर्जा का जो मान हमें दे रखा है वो दिया है के मैक्स, इसे हम 2 मान ले। हमें इसके लिए ऊर्जा का मान दे रखा है वो दिया है 1.97 ईवी। हम चाहे इसको भी जूल में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.97 × 10⁻⁶ × 10⁻¹⁹ जूल। तो ये हमें के मैक्स वन और के मैक्स टू के मान प्राप्त हो गए। हम दोनों आवर्ती के मान दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमें धातु का जो कार्य फलन है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो हम जानते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण से। देखो भाई प्रकाश धारा समीकरण हम पहले पढ़ चुके इसके बारे में, वो क्या होता है, वो होती है के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट होती है। ठीक है, और यह हम यहां से भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एच न्यू नोट बराबर क्या होता है फाई नोट, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई के मैक्स प्लस इधर ले आओ फाई नोट को, फाई नोट इधर क्या बच जाएगा एच इंटू इधर न्यू बचेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पे एक संबंध बन गया, तो के मैक्स प्लस फाई नोट बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू वन। अब देखो हमें न्यू वन और हमें न्यू टू के मान दे रखे हैं दोनों आवर्तियों के, हमें के मैक्स वन और के मैक्स टू का मान दे रखा है, हमें फाई नोट का मान ज्ञात करना है। तो माना हमें इसको नंबर फर्स्ट आधे समीकरण प्रारंभिक अवस्था के लिए उसके लिए हम इसको नंबर एक डाल दें, तो ये के मैक्स वन हो जाएगा समीकरण नंबर दो और यहाँ एच हो जाएगी न्यू वन। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट अवस्था के लिए के जो मैक्स है ये 2 हो जाएगी, फाई नोट फिक्स रहेगा और ये हो जाएगी एच न्यू 2 हो जाएगी आवर्ती, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे भाई ये हो जाएगा इधर के मैक्स 1 प्लस के मैक्स 2 बराबर, हाँ इधर देखो प्लस में यह आ जाएगा 2 फाई नोट बराबर, यहाँ देखो एच कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा न्यू 1 प्लस में न्यू 2। आप देखो इसमें हमें फाई नोट का मान ज्ञात करना ही है, तो वैसा करो ये दोनों मान हमें दे रखे हैं, तो यहाँ से 2 जो फाई नोट है ये इक्वल क्या हो जाएगा एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2, इनको उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस में के मैक्स 1 प्लस के मैक्स 2। ठीक है, हम मान चाहिए फाई नोट का, तो फाई नोट बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा भी यहाँ से होता है, ओमेगा नोट फाई नोट एक ही बात है, तो यहाँ से आ जाएगा एच न्यू 1 प्लस न्यू नोट माइनस के मैक्स 1 प्लस के मैक्स 2 और अपन हो जाएगा 2। ठीक है भाई, देखो अब एच या प्लस नियतांक के समान फिक्स होता है, न्यू 1 न्यू 2 का मान दोनों दे रखे हैं, के मैक्स और जो के मैक्स 2 है हमें दोनों का मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर अपॉन 2 है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे इन सभी के मान रखेंगे, इन सभी के जो मान दे रखे हैं सभी मान दिए गए हैं और हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर अगर तो अगर आप इनके मान यहाँ तक अगर चेंज करना चाहें जूल में आ जाएगा, अगर ये मान आप जूल में चेंज नहीं करोगे तो इसका मान जो है ईवी के अंदर आ जाएगा। तो अब इसे सोल्व करने पर इसका जो मान है
वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह आपको सारे मान दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये मान रख करके, और इसमें जब आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर इसका फाइव नोट बराबर 3 EV प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है करने का, आपको इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। इसमें हमें टी बराबर 300 केल्विन ताप दे रखा है और हमें इस ताप पर हमें न्यूट्रॉन के लिए जो है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन, हमें न्यूट्रॉन जो है, हमें न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए सूत्र होता है लैम्डा एन बराबर एच अपॉन अंडर रूट 3 mkt, 3 mkt ये भाई इसमें सूत्र होता है न्यूट्रॉन के लिए एच अपॉन 3 mkt। अब देखो हमें तापमान दिया है, हमें दिया है ताप टी बराबर 300 केल्विन, एम हो जाएगा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, तो कितना होता है 1.67 × 27 kg, ठीक है भाई। और के का मान फिक्स है, के होता है बोल्ट जमान नियतांक, इसका मान होता है के बराबर 1.38 × 10⁻²³ जूल प्रति केल्विन। और ये सारे मान यहाँ इसमें रख लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा एन बराबर एच का मान रख दो, एच होता है प्लैंक नियतांक 6.63 × 10⁻¹⁴, और अंडर रूट अपॉन अंडर रूट में 3 × m द्रव्यमान, क्योंकि 1.67 × 10⁻¹ हमें दिया है −27, ठीक है भाई। गुणा देखो k का मान ही होता ही है 1.38 × 10⁻²³ गुणा ये t का मान दिया है 300। इस तरह से हमने इसमें मान रख ली भाई, हम इसको सोल्व करेंगे इस मान को, तो ये जो इसका मान है वो 1.45 एंगस्ट्रम या समथिंग आएगा इसको सोल्व करने पर। इसका जो मान यहाँ पे एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा वीडियो था आंसर प्रश्न का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।